हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको इंडियन मार्केट लगभग 15,000 रुपए से कम कीमत के अंदर देखने को मिलते हैं और इनके अंदर आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एक बढ़िया और अच्छा 15,000 रुपए तक की कीमत का स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है Realme 7 स्मार्टफोन। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया फीचर्स दिए हैं और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी दोस्तों बढ़िया है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 5-16 नॉच डिस्प्ले दी है और इसके बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की दोस्तों आपको हाई रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिससे आप इस स्मार्टफोन के अंदर गेम आदि को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा भी दोस्तों बढ़िया देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने मीडियाटेक का चिपसेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G95 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि दोस्तों मीडियाटेक का पावरफुल चिपसेट है। ये आपको बढ़िया और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। और बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 5000 mAh की पावरफुल बैटरी दी है जिसके साथ आपको दोस्तों 30 वाट का डार्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बैटरी भी पावरफुल देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फास्ट चार्जर भी 30 वाट का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, अब ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 15,000 रुपए में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है पोको M2 प्रो स्मार्टफोन। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, पोको M2 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी है जो कि दोस्तों 5-16 नोट्स के साथ आती है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की तो दोस्तों, स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको शिकेर टाइप में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फ्रंट कैमरा के मामले में तो यह स्मार्टफोन रियलमी 7 स्मार्टफोन की तरह ही है। इसके अंदर भी आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देखने को मिलता है जिससे आपको दोस्तों, ये स्मार्टफोन बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। और बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के अंदर भी आपको पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है और दोस्तों, इसके अंदर भी आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, अभी ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 13,000 रुपए में मिल जाएगा जिसमें आपको इसका 4GB रैम वाला वेरियंट मिलेगा। मार्केट में यह स्मार्टफोन आपको 6GB रैम के साथ भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है रियलमी का रियलमी नार्जो 20 प्रो स्मार्टफोन। दोस्तों, ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इंडियन मार्केट में यह स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है क्योंकि दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी है जिसके अंदर आपको 5-16 नोच देखने को मिलेगी। और अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की बैक पैनल के ऊपर आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में स्मार्टफोन पोको M2 प्रो स्मार्टफोन की तरह ही है। इसके अंदर भी आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने मीडियाटेक हीलियो G95 का चिपसेट दिया है जो कि दोस्तों आपको रियलमी 7 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, यह प्रोसेसर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 4500 mAh की पावरफुल बैटरी दी है लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 65 वाट का डार्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फास्ट चार्जर बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है जिससे आपका स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। तो दोस्तों, यदि आप रियलमी नार्जो 20 प्रो
प्रो स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 14,000 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर टाइम टू टाइम आपको मोबाइल फोन्स के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है सैमसंग कंपनी का सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा था, क्योंकि दोस्तों सैमसंग कंपनी का यह पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसके अंदर आपको कंपनी ने इतने कम प्राइस में प्रोवाइड कराए थे। तो दोस्तों अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको दोस्तों यू शेप की नोज डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा सेटअप बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर तो देखने को मिलता ही है, इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने सैमसंग के X9611 का चिपसेट दिया है, जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। और दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 15 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000 mAh की पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको फास्ट चार्जर भले ही 15 वाट का दिया गया हो, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको बैटरी 6000 mAh की देखने को मिल जाती है, जिससे आपको स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देगा। तो दोस्तों यदि आप सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों अभी यह स्मार्टफोन आपको अमेजोन के ऊपर लगभग 15,500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर्स भी बढ़िया मिलते हैं और स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी बढ़िया है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है Xiaomi कंपनी का Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन। दोस्तों यह स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मिड रेंज के अंदर दोस्तों स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। तो दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी है, जिसके अंदर आपको दोस्तों 5/16 नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर भी आपको बढ़िया कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको पोको M2 प्रो स्मार्टफोन अंदर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5020 mAh की पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको कंपनी ने बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है, जिससे आपको स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देगा। तो दोस्तों यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों अभी ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 15,000 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन जो कि आपको इंडियन मार्केट में लगभग 15,000 रुपए में मिलते हैं और इनके अंदर आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।